तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैबिन क्रू के बारे में, या फिर आप इसके कह सकते हैं फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में, कि कैसे आप 12th के बाद एज ए कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कोर्सेज कुछ करने होते हैं नहीं होते। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सैलरी पर्सपेक्टिव क्या रह सकता है, ट्रेनिंग कितने समय की होती है, इंटरव्यू को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसको जो इंटरव्यूज़ होते हैं कैबिन क्रू या फिर फ्लाइट अटेंडेंट से रिलेटेड उनको ढूंढा कैसे जाए 12th के बाद। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप कैबिन क्रू या फिर फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं फ्लाइट अटेंडेंट या फिर कैबिन क्रू के बारे में, दोनों एक ही चीजें हैं। तो कैबिन क्रू के जो मेंबर्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एयरलाइन का, किसी भी फ्लाइट का, क्योंकि बिना इन मेंबर्स के एक फ्लाइट जो है टेक ऑफ नहीं करती, इन मेंबर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप 12th पास आउट करने के बाद ही जो है इंटरव्यूज के लिए दे सकते हैं, कोई कोर्सेज एज सच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एज ए कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 12th पास आउट होने चाहिए आप, और 12th भी आपने किसी भी स्ट्रीम से पास आउट की हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, आप एज ए कैबिन क्रू मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, आप एज ए फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हाइट रिक्वायरमेंट क्या रहती है। अलग अलग फ्लाइट्स कंपनीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, एज सच कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एयर इंडिया की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्पाइस जेट की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, इंडिगो की अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'2", अगर आप एक फीमेल है और आपकी हाइट 5'2" से ज़्यादा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इतनी मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए जो है 5'5" होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की, कि एज की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखिए आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए अगर आप फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 21 साल के होने ज़रूरी है कम से कम। तो दोस्तों ये तो बात थी हाइट की और ये तो बात थी एज की। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया और अब फिर से रिपीट करता हूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आप 12th पास आउट होने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 12th के बाद कोई कोर्स किया हो तभी आप इसको दे सकते हैं, ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमसे ये कोर्स करिए तो हम आपको जो है आपकी जॉब लगवा देंगे एज ए कैबिन क्रू। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता, अगर आपने कोई कोर्स नहीं भी किया है तो भी आप इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें क्या देखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप एज ए पर्सनैलिटी कैसे हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसी है। ये दो चीज़ें ही जो है मैटर करती है, इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है मेन करती है। तो कोर्स अगर आपने कोई नहीं भी किया है तो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपकी बॉडी पे कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजिबल टैटू है तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बहुत सारी फीमेल्स की ये जो है दिमाग में टेंशन होती है कि अगर हमारी स्किन टोन डार्क है तो हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये आपका बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा सच कोई बात नहीं होती। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाकी अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जैसे 12th पास, आपकी एज जो है 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को अगर आप पूरा करते हैं तो आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो सकते हैं तो इस चीज़ को दिल से निकाल दीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ में जाए कैसे, कैसे इंटरव्यूज़ को ढूंढें कि भाई कौन सी फ्लाइट का कैबिन क्रू का इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। देखिए आप दो तरीके से सहायता ले सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं उन पे जाके जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको वहाँ पे जो है डेट्स वगैरह, वेन्यू वगैरह पता लग जाएगा कि इस डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो बेसिकली जो है ऑफलाइन इंटरव्यू ही होता है, आपको वहाँ जाना होता है और आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ जो वेबसाइट्स होती है एयरलाइंस की वेबसाइट है, जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट,
जेट इंडिगो, इनकी वेबसाइट पे भी जो है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप चेक करते रहिए। जहाँ पर भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो रिक्वायरमेंट है अपनी वेबसाइट पे नोटिस डाल देते हैं, तो आप वहाँ पे चेक करते रहेंगे तो आपको वहाँ से भी जो है इंटरव्यू का पता लग जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो भी नए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं कभी भी, तो आप पैसा मत दे के आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको एक फ्रॉड का जरिया भी बना लिया है। वो क्या करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी है, हम इंटरव्यू कराएंगे पहले, उसके बाद हम आपको जो है मेन इंटरव्यू में भेजेंगे। तो वो अपने पास इंटरव्यू करवाने के लिए आपसे 500 या 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज करते हैं ये फ्रॉड होते हैं, क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंपनी होगी वो आपसे कभी भी चार्ज नहीं करेगी, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपका टेस्ट होता है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स आपका देखा जाता है, आपका बीपी वगैरह देखा जाता है, आप फिजिकली फिट है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी जो है इसमें चेक की जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आपकी आपको वो जो है बता देते हैं कि भाई आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद जो है आपका दूसरा इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपका GDPI वगैरह होता है, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होता है। अगर आप उसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो है वो लोग ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। बेसिकली अगर आप इन सारे राउंड्स को क्लियर करके सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जो जनरली 3 महीने की होती है। 3 महीने से कई ऐसी कंपनीज भी है जो ज़्यादा करवा सकती है, बट मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जो जनरल इसकी ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की ही होती है, जिसमें आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं कि एक फ्लाइट अटेंडेंट में जो जो चीजें काम आनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एज अ इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन करना चाहते हैं, कैबिन क्रू या फिर फ्लाइट अटेंडेंट, तो आपको स्विमिंग आना नेसेसरी है, ये मस्ट है। अगर आपको स्विमिंग आती है तभी आप इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फ्लाइट अटेंडेंट या फिर कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कपड़े पहन के जा रहे हैं। आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, मतलब ऐसे घर के कपड़े मत पहन के चले जाओ या स्लीपर्स में मत चले जाना, तो वहां पे एक आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश में आप जो है प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री की इंटरनेशनल फ्लाइट आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेजेस आनी जरूरी है। बेसिकली इंग्लिश आपको मस्ट है अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ज्वाइन करना चाहते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं सैलरी परस्पेक्टिव के बारे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो सैलरी होती है वो फ्लाइंग आवर्स पर डिपेंड करती है, यहाँ पे मंथली वाला हिसाब नहीं होता। बट यस, अगर आप एज अ होल अगर आप फ्रेशर ज्वाइन करते हैं इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इवन 30,000 से 50,000 रुपये के बीच में आप जो है अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है डिफरेंट फ्लाइट्स में कि आप कौन सी फ्लाइट को ज्वाइन कर रहे हैं। एक अच्छा करियर, स्टेबल करियर हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको एज अ फ्लाइट अटेंडेंट ज्वाइन करना है। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को इस कोर्स के बारे में पता नहीं होता, इस करियर के बारे में पता नहीं होता, तो वो ज्वाइन नहीं करते। वो सोचते हैं इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपका इंटरेस्ट है इस लाइन में आने का तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते, तो आप हार ना माने, देते जाइए। अगर आप देते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज है तो कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप हमारी जो कोशिश थी कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन पे लिख के पूछ सकते हैं। आपको कैसा ही लगा वीडियो ये हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे लिख के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में पता लग पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।